हरिद्वार में आज अखाड़ों के पंचों की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तय हो सकता है कि कुंभ के समापन में क्या आगे बढ़ा जाए। सूनी गलियां, खाली पंडाल, ट्रक पर लदे सामान, हरिद्वार कुंभ की ये तस्वीरें कोरोना के बाद बदले हालात की गवाही दे रही हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद कई अखाड़ों ने अपने सामान समेटने शुरू कर दिए। पंडालों में भक्तों का जमावड़ा रोक दिया गया है। अब तैयारी प्रतीकात्मक कुंभ मनाने की है। सभी लोग सुरक्षित रहें, हमारा जान है तो जहान है। हम यदि सुरक्षित रहेंगे तो और भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे। इन्हीं सभी विचारों को लेकर के हम लोग प्रतीकात्मक रूप से कुंभ मेला को मनाने का निर्णय लिया। तो अब बड़ा सवाल ये है कि हरिद्वार कुंभ में शामिल क्या बाकी अखाड़े भी अपने पंडाल समेटेंगे। इस मुद्दे पर आज हरिद्वार में अखाड़ों के पंचों की बैठक होगी। इस बैठक से पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने कहा है कि आज की बैठक के बाद वो कुंभ में रहने या समापन करने का फैसला लेंगे। ये जो पंचायत है उसका मीटिंग होगा और कल इसका निर्णय हम करेंगे। अखाड़ों का तर्क है कि कुंभ की धर्म ध्वजा एक खास मुहूर्त में स्थापित की जाती है और उसके विसर्जन का भी एक मुहूर्त होता है, लेकिन फिलहाल कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुहूर्त तक सिर्फ प्रतीकात्मक कुंभ रखने की चर्चा हो रही है। तो कोरोना से जुड़ी हुई सुबह सुबह एक दुखद खबर आ रही है बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी की पटना में इलाज के दौरान मौत हुई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद मेवालाल का राजधानी पटना में इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ी उनकी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। बता दें आपको 24 घंटे में 8,690 नए केस बिहार में मिले हैं, जिसके बाद 15 मई तक नाइट कर्फ्यू समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं बिहार में। और अब विधायक की मौत की खबर से जाहिर तौर पर और खौफ पैदा होगा। सत्ताधारी पार्टी के विधायक मेवालाल चौधरी, जो पिछले कई दिनों से इलाज करवा रहे थे कोरोना का, वो जिंदगी की जंग हार गए। बेहद दुखद खबर। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की। देखिए, कोरोना कैपिटल दिल्ली की बात करेंगे हम लोग। दिल्ली में हाहाकार की हालत बने हुए हैं और ये बातें और कोई नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली में बिगड़े हालात, पॉजिटिविटी रेट में भी उछाल, केजरीवाल की केंद्र से गुहार, ऑक्सीजन के लिए भी मांगी मदद। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में 25,462 केस सामने आए हैं और 161 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर 24% से बढ़कर 29.7% हो गई है। कोरोना की इस रफ्तार ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र के अस्पताल में 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए सुरक्षित करने, DRDO के अस्पताल में बेड बढ़ाने और फौरन ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। पीयूष गोयल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति का भरोसा दिया है, लेकिन बीजेपी केजरीवाल पर राजनीति करने का भी आरोप लगा रही है। आपसे पूछा गया था कि आपको कितना ऑक्सीजन दिल्ली के लिए चाहिए, आप तब सोए रहे और अब आप जागे हो, तो अब आप केंद्र सरकार के ऊपर ऐसे आरोप नहीं चढ़ सकते, जबकि केंद्र सरकार पूरी मदद करने को तैयार है दिल्ली के अंदर, लेकिन आप राजनीति से बाहर नहीं आ रहे। दिल्ली के बिगड़ते हालात के बीच आज केजरीवाल और LG के बीच सुबह 11 बजे अहम बैठक भी होने जा रही है। सुरक्षित रहें और घर पर रहें। देखिए, दिल्ली को लेकर एक बड़ी बैठक और भी है आज। बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है दिल्ली में, जिसमें बड़ा फैसला हो सकता है। क्या दिल्ली में लंबे लॉकडाउन वाली स्थिति बन गई है, हमारी ये रिपोर्ट बताएगी। 7-10 डेज का लॉकडाउन करने पड़ना है, जिससे ये थोड़ा सा जो डेली केसेस हैं कम हो जाएं, अदरवाइज कंटेमिनेशन बड़ी फास्ट हो रही है और इसी तरह से कंटेमिनेशन, इसी तरह से ट्रांसमिशन होती रहेगी तो मुश्किल सिचुएशन है सरकार, किसी सरकार के लिए। दिल्ली में कोरोना जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है वो दिल्ली वासियों के लिए बहुत चिंता का विषय है और निश्चित रूप से पूरी दिल्ली कोरोना बम के मुहाने के ऊपर बैठी हुई है। अगर हम दिल्ली वासियों के बड़े हित में, दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए,
15 दिन का लॉकडाउन तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। दिल्ली पर कोरोना के छाए काले बादल के बीच अब लॉकडाउन की भी मांग उठने लगी है। कोरोना बम पर बैठी दिल्ली में वायरस के विस्फोट से लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन जहां 7 से 10 दिन के लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब कारोबारी भी लॉकडाउन के समर्थन में उतर गए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 15 दिन के लॉकडाउन की मांग की है। चांदनी चौक व्यापार मंडल ने अगले रविवार तक दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तो LG और केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन की मांग की है। कई और संगठन हैं जो सेल्फ लॉकडाउन का फैसला ले रहे हैं और ले सकते हैं। दिल्ली में हर पल हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना परिवार के लिए सरकार भी कुछ कड़े कदम उठा सकती है। और देखिए, जहां पर एक तरफ दिल्ली में बिगड़ते हुए हालात पर लॉकडाउन की मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन अभियान भी चल रहा है, लेकिन लोग जैसे कि मानने को तैयार ही नहीं है। मुंबई के दादर मार्केट में फिर एक बार भारी भीड़ उमड़ी है। आप देख सकते हैं लोग भारी भीड़ के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, और सुबह सुबह बड़ी तादाद में लोग सब्जी खरीदने वहां पर पहुंच गए हैं, और इसी भीड़ में कई लोग बिना मास्क के भी आपको नजर आएंगे। तो हर दिन हम लोग आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से कोरोना के केसेस रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि लोग सुबह सुबह सब्जी खरीदने गए हैं, लेकिन कितने सारे लोगों ने यहां पर मास्क नहीं पहन रखा है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं, साफ साफ दादर सब्जी मार्केट में सुबह का समय है और भारी संख्या में लोग यहाँ एक जगह पे इकट्ठा हुए है। इस जगह पे भारी संख्या में जो लोग सब्जी लेने आए हैं या दुकानदार है, भारी बड़े संख्या में इसमें जो मास्क ना लगा के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग है या भीड़ में पूरी तरह से धज्जिया उड़ाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में खास करके बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक चिंताजनक भाव है, और उसके में राज्य सरकार है लगातार लोगों से अपील कर रही है कि गर्दी के भीड़ भाड़ की जगह ना जाए, भीड़ भाड़ से बचे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जो मास्क है मास्क कंपलसरी लगाना है। लेकिन इस जगह पे बड़े संख्या में ऐसे लोग हैं जो मास्क ना लगा के और लगाए भी है तो नाकों के नीचे और फिलहाल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय शिवतरकर के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज मुंबई। शगुन, बड़ी अजीब बात है, एक साल से हम लगातार थक गए कहते कहते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए। ब्रेक द चेन मुहिम के तहत सरकार महाराष्ट्र के अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आम आदमी नहीं मानेगा ये चेन कभी टूट ही नहीं पाएगी। यकीन मानिए, ऐसी कई वेव्स आती रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आज से 15 दिन के लिए पाबंदियों का नया दौर राजस्थान में हो गया है शुरू। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है, यानी कोरोना को काबू करने के लिए जनता को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की कवायद हो रही है। राज्य में 3 मई 2021 तक सभी सरकारी दफ्तर, निजी संस्थान, दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान फैक्ट्रियों में कामकाज जारी रहेगा ताकि मजदूरों के सामने रोजगार का संकट न खड़ा हो। साथ ही ठेला या फेरी लगाकर कमाई करने वालों को भी छूट दी गई है। बाजार में बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए, कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को काबू करने के लिए राजस्थान सरकार ने पाबंदियां लागू कर दी हैं, लेकिन रेहड़ी ठेले वालों को छूट देकर लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका भी दे दिया है। ऐसे में अब जनता पर जिम्मेदारी है कि वो सरकार की मुहिम में साथ दे और कोरोना नियमों का पालन करे, क्योंकि कोरोना से सबको मिलकर ही लड़ना होगा। देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, साथ ही रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सभी जिलों के DM और SP के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में 8,690 नए केस सामने आए हैं। बैठक के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में नई गाइडलाइंस तय की गई हैं। ज्यादा केस वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। RT-PCR जांच की रिपोर्ट जल्दी मिलने की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सकों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। ऑक्सीजन और दवाओं की कमी नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाएगी, और इसमें हर तरह से, जो बीच में समस्या आई ऑक्सीजन की, तो हर तरह से ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना, इसके बारे में सब कुछ हुआ है। इसके अलावा बिहार में कई नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो कई नियमों में बदलाव किया गया है।
बिहार में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें अब शाम 7 बजे के बजाय 6 बजे ही बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकेंगे। होम डिलीवरी सर्विस रात 9 बजे तक रहेगी। स्कूल अब 15 मई तक बंद रहेंगे। किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध को छोड़कर किसी भी आयोजन पर रोक है। पहले इसमें 50 लोग शामिल हो सकते थे, उसे 25 कर दिया गया है। शादी समारोह में 200 की संख्या घटाकर 100 कर दिया गया है। बात यूपी की, जहां आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, लेकिन कोरोना काल में मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह दरकिनार कर यहां लोगों की खचाखच भीड़ है, और इस भीड़ में शामिल ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव कराने से पहले अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए मत पत्र और मत पेटियां लेने आए थे। लेकिन इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही कर्मचारी मास्क पहने नजर आए। यूपी में लगातार रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराना खासा मुश्किल होता जा रहा है। चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के आयोग भले ही लाखों दावे कर ले, लेकिन पहले चरण की वोटिंग की तस्वीरें सारी हकीकत बयां कर चुकी हैं। गाजियाबाद 15 अप्रैल 2021, रामपुर 15 अप्रैल 2021, कानपुर 15 अप्रैल 2021, श्रावस्ती 15 अप्रैल 2021। आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होना है। जिन 20 जिलों में चुनाव है उनमें गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, वाराणसी और आजमगढ़ शामिल है। मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले चरण में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ते देख चुनाव आयोग ने इस बार कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। मतदान केंद्रों पर आने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए मतदान केंद्रों पर एक निश्चित दूरी पर गोल घेरे बनाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग की कोशिश है कि दूसरे चरण में मतदान के दौरान पहले चरण के जैसे लापरवाही देखने को न मिले और कोरोना नियमों का पूरा पालन हो। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मालदा में फिर से झड़प हुई है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार को गोली लगी है। छठे दौर के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले झड़प की खबर आ गई आज सुबह सुबह। घायल बीजेपी उम्मीदवार आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी हालत हालांकि राहत की बात यह है कि स्थिर है। झड़प के बाद इलाके में भारी तनाव है। घायल बीजेपी उम्मीदवार की हालत स्थिर बताई जा रही है, और आज छठे दौर के मतदान के प्रचार का शोर थमने का दिन है। लेकिन उससे पहले मालदा से तनाव के हालात इसीलिए क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि हॉस्पिटल में वो एडमिट है, लेकिन हालत उनकी स्थिर है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी उम्मीदवार पर हुआ है हमला। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना की भी हम कैपिटल बना सकते हैं। देखिए, कोरोना के केस लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में बेड की भी कमी हो रही है। क्या दिल्ली में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? क्या दिल्ली में कभी भी आईसीयू बेड खत्म होने की खबर आ सकती है? सरकार की तैयारी पर वायरस पड़ गया है भारी। कोरोना वायरस की इस लहर ने दिल्ली का सिस्टम चरमरा दिया है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन देश की राजधानी में ये चौथी लहर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कबूलनामा आपको सुनाएंगे। क्या है देश की कैपिटल को कोरोना का कैपिटल बनने से रोकने का डॉक्टर्स का प्लान, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए दिल्ली के वो आंकड़े जिनको देख पूरे देश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,462 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 लोग जिंदगी से जंग हार गए। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि राजधानी में इस वक्त 74,941 एक्टिव केस है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 29.74% है, यानी टेस्ट करवाने वाले हर 100 में से 30 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। इन हालातों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ 100 आईसीयू बेड ही बचे हैं। जब महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया हो, उस वक्त सिर्फ 100 आईसीयू बेड का होना स्थिति की गंभीरता को बयां कर रहा है। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायजा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं।
आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत देने की अपील भी की। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं। दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उनमें इस वक्त ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ मुश्किल से 3-4 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ 10 से 12 घंटे में ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है। तो मैं ऑक्सीजन को लेकर प्रायोरिटी दी जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा और कहा दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी गई, उसे वापस किया जाए। ऑक्सीजन की कमी की बात पर केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन ने मोर्चा संभाला। इसको पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की। एक बड़े प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी ने भी हाई लेवल पे इसको एक पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की। ये बड़ा दुख देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और पूरी केंद्र सरकार दिन रात मेहनत कर रही है राज्यों को सहायता देने के लिए, राज्यों के समर्थन के लिए। केजरीवाल साहब को थोड़े दिन के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एडवर्टीजमेंट टीवी पे देने से दवा नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए काम करना होता है। एक दिन वो आकर कहते हैं कि हमारे पास बेड की कोई कमी नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं बहुत कमी है। तो आप अभी राजनीति से थोड़े ऊपर उठिए केजरीवाल साहब। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के हालातों को देखने जब हमारी टीम अस्पतालों में पहुंची, तो उन्होंने वहां जो देखा वो काफी डरावना था। ससुर जी कब से एडमिटेड है? ये कल रात लेकर आए थे उनको। क्या बोला गया, क्या उनका कोविड का भी टेस्ट हुआ है? टेस्ट क्या है, रिपोर्ट को आई नहीं है, लेकिन उन्होंने उसी वार्ड में डाल दिया उनको। कोविड के वार्ड में है वो, लेकिन आपके पास प्रमाण नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नहीं? नहीं नहीं, और उनको ऑक्सीजन दिया गया लेकिन ऑक्सीजन चालू नहीं है, लगाया तो है चालू नहीं है। दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,000 कोरोना वायरस के केसेस आए और इस वक्त LNJP अस्पताल के बाहर भी मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है, जिन्हें या तो बेड्स नहीं मिल पा रहे या फिर अंदर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इतना मुश्किल समय चल रहा है। ये पॉजिटिव पेशेंट आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्कूटर पे बैठा है, लेकिन संक्रमित होने का खतरा बाकी आसपास के लोगों के लिए नजर आ रहा है। बदहाल होती इस स्थिति के बीच दिल्ली के बड़े अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन ने भी भयानक हालात बयां किए और हफ्ते 10 दिन के लॉकडाउन को इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बताया। मैं तो सोचता हूँ कि फिलहाल जो अभी वीकेंड लॉकडाउन किया, पर मुझे लगता है कि 7-10 डेज का लॉकडाउन करने पड़ना है, जिससे ये थोड़ा सा जो डेली केसेज हैं कम हो जाए। तो एक हफ्ते के अंदर सारी बेड सिचुएशन जो है पूरी यूज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। इसके अलावा सीएम और उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर प्रमुख व्यापारी संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तत्काल लॉकडाउन की मांग की है। दिल्ली में कोरोना जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है, वो दिल्ली वासियों के लिए बहुत चिंता का विषय है और निश्चित रूप से पूरी दिल्ली कोरोना बम के मुहाने के ऊपर बैठी हुई है। अगर हम दिल्ली वासियों के बड़े हित में दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए 15 दिन का लॉकडाउन तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन आज खत्म हो गया है, लेकिन आज सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अहम बैठक होनी है। इस बैठक के बाद कुछ बड़े और कड़े फैसलों का ऐलान हो सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना है। बहुत जरूरी या मजबूरी ना हो तो आपको अपने घर पर ही रहना है, मास्क पहनना है और समय समय पर हाथ धोकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, क्योंकि कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है। हर बढ़ते दिन के साथ पूरे देश में वायरस का रफ्तार और प्रसार बढ़ रहा है, लेकिन वायरस से डरना नहीं है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है।
लगातार दूसरे दिन केस 2.5 लाख के पार। आज कोरोना केसों का फिर टूटेगा रिकॉर्ड। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, भोपाल, बस शहर के नाम बोलते जाइए और कोरोना के रिकॉर्ड केसों की गिनती गिनते जाइए। एक दो राज्य नहीं, हर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्यवार कोरोना के आंकड़े देखेंगे तो महाराष्ट्र में 68,631 केस, यूपी में 30,594 केस, कर्नाटक में 19,067 केस, केरल में 18,257 केस, छत्तीसगढ़ में 12,345 केस, एमपी में 12,248 केस, तमिलनाडु में 10,723 केस, राजस्थान में 10,514 केस, गुजरात में 10,340 केस, बिहार में 8,690 केस और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में 8,419 केस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं। देश का वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 3.5% से बढ़कर 13.54% हो गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 2.38 से बढ़कर 30.38, महाराष्ट्र में 15.4 से बढ़कर 24.1 और गोवा में 5.1 से बढ़कर 24.2% रिकॉर्ड किया गया। केसों में लगातार बढ़ोतरी का असर भी दिखना शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। राज्य में 3 मई 2021 तक सभी सरकारी दफ्तर, निजी संस्थान, दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान फैक्ट्रियों में कामकाज जारी रहेगा, साथ ही ठेला या फेरी लगाकर कमाई करने वालों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले किए हैं। बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें शाम 7 बजे की जगह 6 बजे ही बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकेंगे। होम डिलीवरी सर्विस रात 9 बजे तक रहेगी। स्कूल अब 15 मई तक बंद रहेंगे। किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध छोड़कर किसी भी आयोजन पर रोक है। इसमें भी 50 लोगों की जगह अब सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह में भी 200 की संख्या को घटाकर 100 कर दिया गया है। जैसे आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, छूट रहेगा और ई कॉमर्स की गतिविधि। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भारी सियासत यहां पर हो रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मदद से विपक्ष, ध्यान रखिए महाराष्ट्र का विपक्ष यानी कि बीजेपी, लगातार कोरोना के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई को कमजोर करने में जुटा है। सामना में लिखा गया है कि राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि केंद्र के इशारे पर महाराष्ट्र को रेमडेसिविर की सप्लाई रोक दी गई है, जबकि बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि वो लोगों को ये दवा खुद दे सकती है विपक्ष में रहते हुए। आपको हम याद दिला दें, 2 दिन पहले नवाब मलिक ने बकायदा ट्वीट की एक झड़ी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोची समझी साजिश के तहत महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन वक्त में ना मिले इसके लिए विपक्ष कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे हमने राजनीतिक लोगों ने जाके पुलिस के ऊपर दबाव डालना ठीक नहीं होता। इसके बारे में क्या करना, इसके बारे में बॉम्बे पुलिस इंक्वायरी कर रही है, आगे का एक्शन बॉम्बे पुलिस लेगी। हम चौकसी करेंगे वगैरह इसका सवाल है, उसको मैं डरता नहीं हूँ। महाराष्ट्र के हित में काम करता हूँ, 20 साल विपक्ष में काम किया है, 36 केसेस मेरे ऊपर लगी है। ये ऐसी फालतू चीजों से मुझे डराने की कोशिश नहीं करना किसी ने। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर महाभारत तेज होती जा रही है। गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने फडणवीस पर केस दर्ज करने पर विचार की बात कही तो फडणवीस भड़क गए। शनिवार को फडणवीस और बीजेपी नेताओं ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने वाले ब्रुक फार्मा के संचालक को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था, जिसके बाद राजनीति हो रही है। पुलिस रेमडेसिविर की कालाबाजारी के शक में कार्रवाई की बात कर रही है तो बीजेपी का कहना है कि वो महाराष्ट्र की जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। अब महाअघाड़ी सरकार का कहना है कि बीजेपी का एक्शन शक पैदा करने वाला है। जिसने कहा था कि हम देने के लिए तैयार है, दे नहीं रहा है और उसी की वकालत बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। महाराष्ट्र में कोरोना केस की बात करें तो 24 घंटे में रिकॉर्ड 68,631 केस मिले हैं और 503 लोगों की मौत हुई है।
एक तरफ राज्य में हालात बिगड़ रहे हैं और नेता दवाई पर दंगल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। देश के कोने कोने से ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना मरीजों की परेशानी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी संकट को दूर करने के लिए रेलवे आज से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने जा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र से हो रही है। मेरे पीछे आप ये रैंप देख सकते हो, ये जो रैंप है ये इस रैंप का उपयोग कर इस्तेमाल कर ऑक्सीजन के टैंकर सामने खड़ी हुई इस एम्प्टी वैगन पर चढ़ाए जाएंगे और रोल ऑन रोल ऑफ करके ये टैंकर जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए जाएंगे, जहां पर से ये टैंकर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उनमें भरकर फिर एक बार महाराष्ट्र में लाए जाएंगे। जमशेदपुर, बोकारो, विशाखापट्टनम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर में भरकर लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी, वहीं सीएम केजरीवाल ने तो दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को देने का संगीन आरोप भी लगा दिया है। मांगों पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया है, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। जहां पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए, कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है। गोयल के ऑक्सीजन के गैर जरूरी इस्तेमाल वाले बयान पर गहलोत ने आड़े हाथों लेते हुए उन्हें आगे ऐसे बयान नहीं देने की अपील की। देश की राजधानी दिल्ली का हाल बता देते हैं आपको, जो कि इस वक्त कोरोना कैपिटल बनने की होड़ में है। हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली में। ये बात कोई और नहीं, खुद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली में बिगड़े हालात, पॉजिटिविटी रेट में भी उछाल, केजरीवाल की केंद्र से गुहार, ऑक्सीजन के लिए भी मांगी मदद। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में 25,462 केस सामने आए हैं और 161 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर 24% से बढ़कर 29.7% हो गई है। कोरोना की इस रफ्तार ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र के अस्पताल में 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए सुरक्षित करने, DRDO के अस्पताल में बेड बढ़ाने और फौरन ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। पीयूष गोयल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति का भरोसा दिया है, लेकिन बीजेपी केजरीवाल पर राजनीति करने का भी आरोप लगा रही है। आपसे पूछा गया था कि आपको कितना ऑक्सीजन दिल्ली के लिए चाहिए, आप तब सोए रहे और अब आप जागे हो, तो अब आप केंद्र सरकार के ऊपर ऐसे आरोप नहीं चढ़ सकते, जबकि केंद्र सरकार पूरी मदद करने को तैयार है दिल्ली के अंदर, लेकिन आप राजनीति से बाहर नहीं आ रहे। दिल्ली के बिगड़ते हालात के बीच आज केजरीवाल और LG के बीच सुबह 11 बजे अहम बैठक भी होने जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ में मरीजों के घर वाले ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालात और बिगड़ सकते हैं क्योंकि 3 प्लांट्स में कच्चा माल न मिलने से उत्पादन जो है वो ठप हो गया है। पूरे लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन लखनऊ के नादरगंज इलाके में लोगों की भीड़ लगी है। रविवार को लगी ये भीड़ उन लोगों की है जो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने एक गैस एजेंसी के दफ्तर पर पहुंचे हैं। ऐसे ही एक मरीज के परिजन हैं अमन श्रीवास्तव। अमन अपने कोरोना पॉजिटिव दादा के लिए ऑक्सीजन लेने आए हैं। लेकिन जितना मिल जाए वही सही, रेट में तो कोई ऐसा चेंज नहीं किया है, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम्स ये बिलिंग की बहुत बढ़ गई है और टाइम बहुत लग रहा है। वैसे वो आधे घंटे एक घंटे का काम होता था, आज वो 2-3 घंटे। अमन की तरह रविंद्र भी हैं जो अपने भाई के इलाज के लिए ऑक्सीजन लेने आए हैं। सरकार से जब कोई सहायता नहीं मिली तो भाई का इलाज घर पर ही कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, इसके सहारे कितनी देर चला लेंगे, ये भी कैसे ला रहे हैं अरेंज करके पता नहीं है। अभी आए हैं, देखिए लाइन में खड़े, कोई पूछ नहीं रहा कि अंदर जाना भी है। यही हाल लखनऊ के दूसरे ऑक्सीजन प्लांट्स का भी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि लखनऊ के 3 प्लांट्स में लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे ऑक्सीजन बनती है। ये है PIGL, अवध ऑक्सीजन और KT वेल्टिंग। ऐसे में अगर इन्हें जल्द से जल्द कच्चा माल ना मिला तो लखनऊ का हाल बेहाल होने में देर नहीं लगेगी।
शगुन राज्यवार हालात हम दिल्ली के दर्शकों के आगे रख रहे हैं। हमने महाराष्ट्र का हाल दिखाया आपको, यूपी का हाल दिखाया, दिल्ली का हाल दिखाया, मध्य प्रदेश का हाल भी अलग नहीं है। यहाँ के शहडोल में मेडिकल कॉलेज में भर्ती 12 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया, लेकिन राज्य सरकार मौत पर कुछ और ही कह रही है। शहडोल के मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित 12 मरीजों की मौत को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक एक सुर में जवाब दे रहे हैं। हर कोई ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर रहा है, लेकिन उनकी दलीलें सुनने से पहले आपको चश्मदीद का बयान सुनाते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% पॉइंट आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला सामने आते ही मेडिकल कॉलेज के डीन से लेकर प्रशासन तक सफाई देने में जुट गया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास नारंग ने दावा किया कि उन्हीं मरीजों की मौत हुई है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी थी। ICU में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई है, लेकिन वो उसको ऑक्सीजन की कमी से कहना इसलिए नहीं होगा। ऐसा होता तो ICU के बाकी भी तो 62 क्रिटिकल मरीज हैं, अगर वो भी उन पे भी असर हुआ होता। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी, ऐसा नहीं हुआ। राज्य सरकार भले ही ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर रही हो, लेकिन रीवा में BJP विधायक कुछ और ही दावा कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमियां, दवाई की कमियां, बेड की कमियां, ये तमाम जो कमियां हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर ये बातें आती है कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद से स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी जैसी घटनाओं से राज्य सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। अब बात कर लेते हैं बंगाल चुनाव की। देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव में देर सही सही, लेकिन कोरोना को लेकर नेताओं में कुछ चिंता जरूर नजर आ रही है। कोरोना की वजह से TMC ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी रैलियां रद्द करने का फैसला लिया, तो अब TMC प्रमुख ममता बैनर्जी ने भी कोलकाता में रैली नहीं करने का ऐलान किया है। TMC की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ममता बैनर्जी अब कोलकाता में रैलियां नहीं करेंगी। प्रचार के आखिरी दिन 26 अप्रैल को बस एक सांकेतिक सभा करेंगी। रैलियों का समय कम करके आधे घंटे की सभा करेंगी ममता। TMC ममता को जागरूक और केंद्र सरकार को सबसे बेपरवाह बता रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहते नहीं है कि सब सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, किंतु उनके लिए हेल्थ सेकेंडरी इशू है। उनके लिए डर्टी पॉलिटिक्स, उनके लिए पावर, उनके लिए कुर्सी, ये सब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। TMC BJP पर तो BJP कांग्रेस पर वार कर रही है। BJP का कहना है कि रैली रद्द करने के पीछे राहुल का डर छिपा है। क्या उनको केरल की चुनाव प्रचार में ध्यान में नहीं आया था क्या? राहुल गांधी जी की जनाधार तो बंगाल में कुछ है नहीं। अपने हार की डर से वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे अपना इज्जत बचाए। आरोप प्रत्यारोप से इतर बंगाल में कोरोना की बात करें तो इससे उम्मीदवार भी अछूते नहीं है। बंगाल में अब तक 7 उम्मीदवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। TMC उम्मीदवार उज्जवल विश्वास भी कोरोना की चपेट में है। कांग्रेस और RSP उम्मीदवार की कोरोना से मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 26 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। देश में कोरोना की स्थिति, हर आंकड़ा और हर तस्वीर सबसे पहले हम रखेंगे एबीपी न्यूज पर, ताकि आप रहें सचेत, आप रहें स्वस्थ। कोरोना महामारी के बीच बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ना जाने कितने लोगों को अस्पताल में बेड, दवाइयां, प्लाज्मा ये सब उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जरूरतमंद, भूखों, गरीबों की मदद के लिए खुद सड़कों पर भी उतर आ पड़े हैं। आइए देखते हैं कौन है ये मसीहा। दिल्ली की ये तस्वीरें एक बार साल भर पहले लगे लॉकडाउन की यादें ताज़ा कराने लगी हैं, जब गरीबों, रोज कमाकर खाने वालों के पास खाने पीने तक का जरिया नहीं बचा था। ऐसे में इन लोगों के पेट भरने का बीड़ा उठाया है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये लोग खाने के पैकेट लेकर गाड़ियों में आते हैं और अस्पतालों और बस्तियों के आसपास सड़कों पर बैठे लोगों को खाने का पैकेट बांटकर उनकी भूख मिटाते हैं। दरअसल अभी लॉकडाउन भले ही नहीं लगा है, लेकिन आज भी करीब करीब फिर वही हालात है। लोग सड़कों पर हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, दुकानों पर ताले लगे हैं, और ऐसे में जब लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, तब इन कार्यकर्ताओं ने आगे आकर ये जिम्मेदारी निभाई है। इस मुश्किल वक्त में आप भी किसी को भूखा देखें तो उसकी मदद करें। ABP News,
आपको रखे आगे।